खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। साल के अंत तक शुरू हो जाएगी हसडिया गोड्डा के बीच ट्रेन सेवा। झारखंड में गोड्डा से इस साल के अंत तक रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। पूर्व रेलवे मालदा मंडल की रेखदेख में झारखंड में दुमका और गोड्डा जिले को जोड़ने वाली हसडिया गोड्डा नई रेल परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार ने शनिवार को हसडिया रेलवे स्टेशन के साथ हसडिया गोड्डा नई रेल लाइन परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वास जताते हुए बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक गोड्डा से रेल सेवा शुरू हो जाने की उम्मीद है। किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराएगा SDO। उपायुक्त भोर सिंह अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कृषि विभाग एवं अन्य पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में खाद विक्रेताओं के खाद द्वारा विक्रय करने की दर में सूची विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराया जाए। खाद बिक्री करने में क्रम से उचित मूल्य से ज्यादा मूल्य लेते पकड़ने पर उक्त दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के गोड्डा SDO ऋतुराज व महाकामा SDO जितेंद्र कुमार दे को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के खाद विक्रेताओं की सूची तैयार कराकर खाद विक्रेताओं के द्वारा किसानों को उचित मूल्य के खाद उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। पोड़ैयाहाट गोड्डा रेलवे लाइन के काम में आई रफ्तार। क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक यतेंद्र कुमार ने शनिवार को पोड़ैयाहाट गोड्डा निर्माणाधीन रेल लाइन का निरीक्षण किया। हालांकि तेज बारिश के कारण निरीक्षण का कार्य बीच में छोड़कर ही वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। दोपहर को भागलपुर से पूरे लाव लश्कर के साथ DRM यतेंद्र कुमार पोड़ैयाहाट स्टेशन पहुंचे, जहां से वे मोटर ट्रॉली पर बैठकर पोड़ैयाहाट गोड्डा नई रेल परियोजना को निरीक्षण करने निकले। निरीक्षण करते 5 किलोमीटर पहुंचे थे कि इसी बीच बारिश हो जाने से वे पूरी टीम के साथ वापस लौट पड़े। पोड़ैयाहाट वापस पहुंचकर उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उनके साथ सीनियर डिवीजन ऑपरेशन मैनेजर एवं मौर्य डिविजनल कमर्शियल मैनेजर SDEM सहित दर्जनों पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ढोडरी सीताचक हाई लेवल पुल पर अविलंब बने अप्रोच रोड। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर सदर प्रखंड के ढोडरी एवं बिहार के बांका जिला के सीताचक पासना के बीच करोड़ों की लागत से बने हाई लेवल पुल पर अविलंब अप्रोच रोड बनाने की मांग ग्रामीण ने की है। इसके साथ ही कहा है कि जब तक अप्रोच रोड नहीं बनता है, झारखंड के हिस्से में पुल के पास कच्ची सड़क को परिचालन लायक बनाया जाए, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस पुल के अप्रोच को बेहतर कर दिए जाने से बिहार के बांका व भागलपुर आने जाने के लिए एक और रास्ता बन सकता है। मंदिर व मठ को सुरक्षा मुहैया कराए प्रशासन बजरंग दल। हिंदू साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं जिले में बढ़ रही हिंदू विरोधी घटनाओं को लेकर बजरंग दल के देवेंद्र तिवारी व चंदन तिवारी ने संयुक्त रूप से उपायुक्त कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से क्षेत्र के मंदिर मठ एवं उसकी संपत्ति सहित साधु संतों की सुरक्षा की मांग की है। आश्विन मास की वर्षा से धान की फसल को फायदा होगा। जिले में शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार की सुबह तक विभिन्न इलाकों में हुई सामान्य वर्षा से धान की फसल को काफी फायदा हुआ है। वहीं सितंबर के वर्षापात से भी आंशिक रूप से सुधार हुआ है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर में अब तक 102 से ऊपर मिलीलीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसमें की लगभग 32 मिलीलीटर वर्षा शुक्रवार की देर रात हुई, जिसमें सबसे अधिक महागावा में 19, बसंतराय में 24 और गोड्डा में 21 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हुई अमृत वर्षा के धान की फसल को काफी फायदा हुआ है। रविवार से कानी नक्षत्र भी शुरुआत हो रहा है, इसमें वर्षा की संभावना रहती है। जबकि पानी के लिए जाना जाने वाला हथिया नक्षत्र 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। जब तालाब में नहाने से मिलती है चर्म रोग में फायदा। पोड़ैयाहाट प्रखंड के नौडिया पंचायत में स्थित गर्म कुंड को लेकर निमझन तालाब के नाम से पुकारते हैं। इस तालाब की विशेषता यह है कि यहाँ सालों भर तालाब का पानी गर्म रहता है। मान्यता के अनुसार इस कुंड में नहाने से सभी प्रकार के चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी और 16 जनवरी को 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। काफी संख्या में श्रद्धालु कुंड में स्नान करने पहुंचते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से कुछ काम किया गया। श्रद्धालुओं इस स्थल में और पर्यटन संबंधी कार्य की अपील की है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पर्यटन स्थल का मरम्मति की जाए।
उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार सरकार की प्रथम प्राथमिकता। हेमंत, श्री हेमंत सोरेन ने यहाँ उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नीतिगत विषयों की समीक्षा के दौरान कहा कि राज्य में 4 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, इनमें से 2 रांची और 1 हजारीबाग और देवघर में है। वर्तमान में इन महाविद्यालयों का संचालन उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं विद्यार्थियों को गुणात्मक पूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में 11 IPS अधिकारियों का तबादला, देवघर, जामताड़ा, चाईबासा के SP बदले गए। राज्य सरकार ने 5 जिलों के SP सहित 11 IPS अधिकारियों को तबादला कर दिया है। इन के SP बदले गए हैं, जिनमें पलामू, चाईबासा, देवघर, सिमडेगा व जामताड़ा जिले शामिल है। हाल ही में ट्वीट को लेकर चर्चा में आए जामताड़ा के SP अंशुमन कुमार के अलावा देवघर व पश्चिमी सिंहभूम जिले के SP को फिलहाल जिला नहीं मिला है, उन्हें जैब IRB में स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरण पदस्थान से संबंधित अधिसूचना शनिवार की शाम जारी कर दिया गया है। कोरोना के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले की खैर नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का अनुपालन देवघर अनुमंडल में करना ही होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। देवघर के 9 पदस्थापित अनुमंडल अधिकारी ने शनिवार को कहा कि देवघर में कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, लोग सचेत हो जाएं तथा मास्क व शारीरिक दूरी सहित अन्य दिशा निर्देशों का अनुपालन शुरू कर देंगे। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रावधान के अनुरूप जुर्माना साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यातायात के नियमों का पालन भी सख्ती से कराया जाएगा। इसके अलावा कोरोना को लेकर परिवहन से संबंधित नियम भी बनाए गए हैं। वाहन के अंदर शारीरिक दूरी का अनुपालन आवश्यक है। जैसे अगर ऑटो में 4 लोगों को बैठने की जगह है तो 2 ही बैठना है। इसको भी देवघर अनुमंडल में सख्ती से लागू किया जाएगा। इस मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क रवि कुमार मौजूद थे। अनलॉक में कोरोना के प्रति बढ़ी लापरवाही, खबर है पाकुड़ से। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शहर में बरती जा रही लापरवाही, कई दुकानें, रेस्टोरेंट व होटल में लोग मास्क नहीं पहने। सड़क पर ठेले पर बेचे जा रहे हैं सामान को लोग बेपरवाह होकर खाने में लगे थे। शारीरिक दूरी का भी पालन ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि लोग अनलॉक 4 को कोरोना से मुक्ति समझने में लगे हैं। बिना मास्क पहने लोगों को भी दिया जा रहा है सामान। मनरेगा में लेबर डिमांड में गड़बड़ झाला, खबर है साहिबगंज से। जिले में मनरेगा की योजनाओं में लेबर डिमांड में गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। मनरेगा कर्मियों की 31 जुलाई से 10 सितंबर तक चली हड़ताल के दौरान 6291 मस्टर रोल को शून्य किया गया। दरअसल काम मांगने के बाद मास्टर रोल निर्गत होता है। मास्टर रोल निर्गत करने के बाद भी अगर मजदूर काम करने नहीं आता है या उसमें काम नहीं दिया जाता है तो साइट पर शून्य कर दिया जाता है। लॉकडाउन के कारण काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई, जिन्हें काम की जरूरत थी, लेकिन प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार काम मांगने के बाद मजदूर काम करने ही नहीं आते हैं। प्रारंभ में कई ऐसे कार्यों का चयन किया गया जिन्हें वर्षों से नहीं कराया जा रहा था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।